Welcome student. Today we will understand next point from the chapter of nationalist movement first. इस nationalist movement first में हमने last video में study की थी कि हमारे पास nationalist movement क्यों start हुआ. तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे causes हुए हैं जो हमने last video में understand किया था. अब हम next पॉइंट पे इसमें आगे डिस्कस करेंगे. अभी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये वही कांग्रेस है जो आज हमारे पास प्रेजेंट में कांग्रेस पार्टी है, जिसका जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट है वो गांधी फैमिली से है. तो पहले इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और अब आने वाले टाइम में प्रियंका गांधी उसकी कमांड लेके रहे, कमांड उसके पास रहे. इट्स ओके. तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको सेट किया था हमारे इंडियंस ने, या हमारे फ्रीडम फाइटर ने, या ये कहेंगे कि हमारे जो रिवोल्यूशनरी थे उन्होंने उसको सेट किया था. कब किया था? 28 दिसंबर 1885. बट उसके बारे में डिस्कस हम करने से पहले कुछ ऐसे एसोसिएशन के बारे में जिक्र करेंगे जहां से इसका बेस स्टार्ट होता है, यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो बेस स्टार्ट हुआ था उससे पहले कई एसोसिएशंस यहां पे बन चुके थे और उन लीडर्स का काफी रोल इसमें इंडियन कांग्रेस पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट में रहा है. तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं. यस, फर्स्ट हमारे पास आता है बेटा इंडियन एसोसिएशन, जिसकी फाउंडेशन 1851 में हुई. इसका जो फाउंडर था सुरेंद्रनाथ बनर्जी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन. इंडियन एसोसिएशन वॉज सेट अप इन 1851. ओके, सेकेंड हमारे पास आता है बेटा बॉम्बे एसोसिएशन. इसकी जो फाउंडेशन हुई है, यानी ये जब सेट हुआ था ये हुआ था 1852. इसका फाउंडर मुंबई एसोसिएशन की सेटलमेंट, यानी कि सेट हो गया था, इसकी एसोसिएशन बन गई थी 1852 में. नेक्स्ट मद्रास नेटिव एसोसिएशन. मद्रास नेटिव एसोसिएशन. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा पूना सार्वजनिक सभा. पूना सार्वजनिक सभा ज्योतिष रानाडे, इसकी फाउंडेशन हो गई थी, ये सेट हो गया था 1870 में, यानी कि पूना सार्वजनिक सभा बन गई थी 1870 और जस्टिस रानाडे वाज द फाउंडर ऑफ ए पूना सार्वजनिक सभा. नेक्स्ट हमारे पास है बेटा मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन 1885 फिरोज शाह मेहता एंड बद्रुद्दीन तैयब जी वॉज द फाउंडर ऑफ ए मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन.
फिरोज सर मेहता, एंड बद्रुद्दीन तैयब जी। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इतने सारे हमारे पास एसोसिएशन बन गई थी बिफोर द सेटअप ऑफ नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस आने से पहले ये एसोसिएशन बनी थी। नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडर था वो सिविल सर्विस रिटायर्ड ऑफिसर एओ आयुम था। एओ आयुम इज द फाउंडर ऑफ ए नेशनल कांग्रेस पार्टी। इट इज सेट नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉज सेटअप इन 28 दिसंबर 1885 को नेशनल कांग्रेस पार्टी का शुरुआत हो चुकी थी, और वो शुरुआत की थी ICS ऑफिसर एओ आयुम, इंग्लिश रिटायर्ड ऑफिसर। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी जो हमारी पार्टी है, जो हमारी एसोसिएशन थी, उसका फाउंडर अंग्रेज कैसे थे? बिकॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्पॉटेड टू इंडियंस फॉर द सेटअप ऑफ ए कांग्रेस पार्टी। क्यों किया था? उसकी थिंकिंग थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थॉट्स दैट कांग्रेस पार्टी विल सपोर्ट टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो सपोर्ट कैसे करेगी, क्योंकि वो एक मीडिएटर का काम करवाएगी उससे। ये उनकी थिंकिंग थी कि हम ये चाहेंगे आने वाले टाइम में ये हमारे लिए एक कड़े का काम करें, उधर से इंडियंस की प्रॉब्लम को हमारे सामने लेके आए और हमारा जो सॉल्यूशन है वो पब्लिक इंडियंस के पास पहुंचाए। इस प्रकार से कांग्रेस एक ऐसी पार्टी होगी जो इंडियंस और ब्रिटिशर के बीच में एक मीडिएटर का काम करेगी, एक कड़ी का काम करेगी। इसलिए एओ आयुम ने इसको जब कांग्रेस पार्टी या नेशनल कांग्रेस एसोसिएशन बनी थी उस टाइम पे उन्होंने इसको इनवाइट किया था, पार्टी दी थी, वो काफी खुश थे इस बात के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आता बेटा अर्ली सेशन ऑफ ए कांग्रेस। शुरुआती जो सेशन था वो कैसे हुआ, शुरुआत में सेशन कैसे बुलाया? तो इससे कांग्रेस पार्टी ने हर साल सेशन बुलाते थे, और उसका टारगेट यही था कि वो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे उनको एकजुट करना, यूनिटी में लेकर आना, नेशनलिज्म को क्रिएट करना। और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए इंडिया के फर्क कोने से उन्होंने सेशन बुलाना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट जो सेशन कांग्रेस पार्टी का स्प्लिसमेंट हुआ था वो मुंबई में हुआ था, बॉम्बे के अंदर इसका सेटअप हुआ था। अब ये सेटअप होने के बाद दोबारा से इसका सेशन बुलाया, सेकंड सेशन कांग्रेस पार्टी का, सेकंड सेशन बुलाया था वो कलकत्ता में बुलाए थे। दादा भाई नौरोजी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। दादा भाई नौरोजी को यहां का प्रेसिडेंट बनाया था, यानी कि इस मीटिंग का जो आज कमांड करने वाला था वो दादा भाई नौरोजी थे। थर्ड इसकी मीटिंग बुलाई थी, वो बुलाई थी चेन्नई में। देखिए आप, इसमें हमारे इंडिया का
ये जो पार्ट है ये ईस्टर्न पार्ट है कोलकाता इस डायरेक्शन में, चेन्नई हमारे पास साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में तो अलग अलग, और जो सबसे पहले मुंबई में इसकी सेटअप हुआ था वो हमारे वेस्टर्न पार्ट में है। तो इंडिया के हर कोने से इसके अंदर सेशन बुला करके लोगों को एकजुट करना था, उनको गैदरिंग में लेकर आना। थर्ड जो सेशन था वो चेन्नई में उस टाइम प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंट बनाया था इसको, बद्रुद्दीन तैयब जी। फोर्थ सेशन लखनऊ में हेल्ड किया गया है और इसका जो प्रेसिडेंस था, प्रेसिडेंट था वो जॉर्ज यूरको बना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम स्टडी करेंगे बेटा, मॉडरेट फेज 1885 टू 1905। 1905 में हमारे पास स्वदेशी मूवमेंट चला था और बिफोर द स्वदेशी मूवमेंट अवर नेशनल कांग्रेस पार्टी वर कैप्चर्ड बाय द मॉडरेट लीडर्स। मॉडरेट लीडर्स में अभी हमने जो एसोसिएशन में जो बनाने वाला था वो सारे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। जब हमारे पास नेशनल कांग्रेस बनाई थी उस टाइम जो प्रेसिडेंट बनाया था वो WC बनर्जी को ही बनाया। तो जितने भी हमारे पास अभी हमने स्टडी की थी वो इसके मुंबई प्रेसिडेंसी की, कांग्रेस मद्रास प्रेसिडेंसी की, पूना सार्वजनिक सभा की और मुंबई एसोसिएशन की, ये सारी जब हमने जिक्र किया था तो उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे और फिरोज सर मेहता आदि आदि जो भी हमारे पास थे उन सभी का जो इसके अंदर नेशनल पार्टी सेट करने में वही लीडर सबसे ज्यादा इसके अंदर अपना रोल कर रहे थे, वही आदमी थे जो नेशनल पार्टी को, नेशनल कांग्रेस पार्टी को सेट करने के लिए काम कर रहे थे। तो वो शुरुआती समय में जो हमारे पास लीडर थे वो मॉडरेट लीडर थे। मॉडरेट लीडर्स डिमांडेड टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विद द पिटीशन एंड ए पीसफुल मेथड। वो केवल हाथ जोड़ के अपनी डिमांड ले रहे थे बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अवॉइडेड देम, उनको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी। वो उसकी डिमांड क्या थी शुरुआत समय में इस अर्ली टाइम पे जो मॉडरेट फेज था, मॉडरेट लीडर थे, उन्होंने क्या डिमांड की थी, उनका एक डिमांड देखिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन प्रोविंसेस एंड कल्चरल सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और जो हमारे पास प्रोविंसेस थे इनमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्टेट थी उस स्टेट में गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे फेडरिज्म था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप इन इंडिया, फेडरिज्म उन्होंने सेट कर दिया था। अब वो फेडरिज्म से हमारे पास से टू टाइप्स की गवर्नमेंट पहले ही बन रही थी, एक तो स्टेट गवर्नमेंट में और एक सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और प्रोविंसेस के लिए दोनों के लिए इलेक्शन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाएं, यानी कि हमारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, ये उनकी डिमांड थी। मॉडरेट लीडर्स, मॉडरेट लीडर्स में कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर, फिरोज शाह मेहता आदि। इट्स ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट उनकी डिमांड सुनिए, हाई गवर्नमेंट पोस्ट फॉर इंडियंस। हमने पढ़ा था कि हमारे आर्मी थी उस आर्मी में केवल उनको सिपाही रखा जाता था और जो हाई जॉब थी यानी कि ऊंचे लेवल का जो पोस्ट था, हाई लेवल के पोस्ट थे जिसमें सैलरी ज्यादा देनी होती थी, वो सैलरी हमारे इंडियंस के लिए नहीं होते थे। तो उनकी डिमांड ये थी कि हमारे इंडियंस को जॉब दी जाए और हाई पोस्ट पे दी जाए। ओके, नेक्स्ट डिमांड फॉर सिविल सर्विस, सिविल सर्विस ICS इंडियन सिविल सर्विस, हमने कल स्टडी की थी, जो आज हमारे पास IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के नाम से जानी जाती है। सुरेंद्रनाथ टैगोर इज द फर्स्ट ए सिविल सर्वेंट।
अब ये जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता था ये इंग्लिश मीडियम में होता था, लंदन में होता था। हमारे इंडियंस मॉडरेट लीडर डिमांड करते थे कि ये एग्जाम हमारे पास से इंडिया में हेल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर। मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे वो रिड्यूस क्यों चाहते थे? क्योंकि वो तो आर्मी इंडियंस की, सॉरी ब्रिटेन्स की थी, तो वो रिड्यूस क्यों करना चाहते थे? बट यहां पे समझिए, जो एक्सपेंडिचर आर्मी पे इन्वेस्ट होता था वो हमारे इंडियंस उसको पे करते थे, हमारे इंडियन रूलर्स सपोर्ट करते थे, सारा एक्सपेंडिचर वही वहन करते थे। इसलिए आर्मी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसमें इंडियंस भी होते थे और ब्रिटिशर भी होते थे। बट आवर इंडियंस रूलर्स स्पेंड द मनी ऑन द प्रमोशन ऑफ ए आर्मी, उसमें जो भी इंकरेज करना होता था, जो भी उसमें सुधार करना होता था, वो सारा एक्सपेंडिचर को कौन स्पेंड करता था? हमारे इंडियंस रूलर्स करते थे। इसलिए आर्मी पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, ये डिमांड हमारे मॉडरेट लीडर्स की थी। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। देखिए बेटा, हमारे पास इंडियन एज जो फर्स्ट एक कॉटन टेक्सटाइल मिल लगी थी वो 1854 में लगी थी और मुंबई में लगी। बट ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट सपोर्ट ए दिस इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोशन। अगर वो हमारे इंडियन टेक्सटाइल मिल को प्रमोशन देते तो ब्रिटिशर वॉज नॉट एबल टू कंज्यूम देयर क्लॉथ्स इन इंडियन मार्केट, इट्स ओके। इसलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं की किसी भी वजह से। हमारे इंडियंस या मॉडरेट लीडर चाह रहे थे कि हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर आप लोग सहायता कीजिए, सपोर्ट कीजिए। प्रमोटिंग द स्पेंड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन हमने पहले स्टडी की थी लास्ट वीडियो में कि एजुकेशन से हमें क्या मिला? कॉमन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन लैंग्वेज मिल गई। तो वो चाह रहे थे कि एक लैंग्वेज ही ऐसी है, एक एजुकेशन ऐसी है जो हमें इसके डोमिनेट से छुटकारा दिला सकते हैं। इसलिए वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए डिमांड कर रहे थे। एंड लास्ट, अमेंडमेंट ऑफ ए आर्मी एक्ट 1878। आर्मी एक्ट, सॉरी आर्मी नहीं है, आर्म्स एक्ट, हथियार रखने की प्रोविजन ऑफ ए वीपन्स। इट इज ए इंप्लीमेंटेड ऑन ए इंडियंस विदाउट लाइसेंस ए इंडियन से वॉज नॉट एबल टू गेट ए आर्म्स। उनको लाइसेंस लेना होता था, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो किसी प्रकार का वीपन्स, किसी प्रकार का हथियार नहीं ला रख पाते थे। बट ब्रिटिशर इसके लिए कोई बाउंड नहीं थे, उनके पास लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, वो विदाउट लाइसेंस ब्रिटिशर गेट ए आर्म्स वीपन्स। अब ये जो हमारे पास से लाइसेंस के साथ आर्म्स रखने का या वीपन्स रखने का जो अधिकार था उसको वो उसमें अमेंडमेंट करना चाहते थे, और ये आर्म्स एक्ट उन्होंने पास किया था 1878, उसमें वो बदलाव चाह रहे थे। ये मॉडरेट जो लीडर थे जो जिन्होंने काम किया है मैक्सिमम टाइम 1885 टू 1905, उससे आगे क्या होता है यस वी विल अंडरस्टैंड नेक्स्ट वीडियो।